हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली फूडी बॉय दिल से भूखा। दोस्तों, आज मैं साउथ दिल्ली के एरिए गोविंदपुरी में खड़ा हूँ। और गोविंदपुरी में कहाँ खड़ा हूँ, गली नंबर 13 है, उसके बराबर में एक छोटी सी कार्ट है। गाइस, बहुत एक इंस्पिरेशनल स्टोरी कपल्स की है, जो कि अपनी डोमिनोज की जॉब छोड़ के एक अपनी कार्ट रन कर रहे हैं। कार्ट का हम रिव्यू करें, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। तो गाइस, मैं आपको लोकेशन समझा दूँ, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मेरे लेफ्ट साइड में एक नासा केमिस्ट है, और उसके बराबर में विशाल मेगा मार्ट है मेरे राइट साइड में है, जिस फूड कार्ट का हम रिव्यू करें। देखिए गाइस, छोटी सी कार्ट है जिसका नाम है पिज्ज़ा स्टोरी कॉर्नर। नमस्ते भैया। हाँ भैया, आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत है, नाम आपका? मेरा नाम आकांक्षा अरोड़ा। आकांक्षा, लाइक मैं डोमिनोज में वर्क करता था, तो मैंने और सारे पिज्ज़ास के नेम में वो करा, फिर मैंने एक्सपीरियंस लिया। फिर मेरी एक स्टोरी थी, तो मैंने इसलिए पिज़्ज़ा स्टोरी बनाया। मैंने कहा मेरी एक स्टोरी है कि मैंने डोमिनोज में वर्क किया है, तो मैंने उसका नाम ही पिज़्ज़ा स्टोरी कॉर्नर रख दिया। और कॉर्नर था ना ये, यहाँ पे पहले लगता था सामने, तो ये कॉर्नर था, तो मैंने पिज़्ज़ा स्टोरी लगना था, कॉर्नर था, कॉर्नर लगा दिया। एक्चुअली हम अपना बिजनेस खोलना चाहते थे, हमने बहुत टाइम वहाँ पे वर्क किया, तो हम वहाँ पे अपना बिजनेस ग्रोथ नहीं होती थी, ग्रोथ नहीं हो पाती थी, तो हमने सोचा कि हम अपने बिजनेस में ग्रोथ कर पाएंगे। मेरी 5 PM to 12 PM मेरा पिज़्ज़ा, वेज पिज़्ज़ा, ऑनियन पिज़्ज़ा, कैप्सिकम पिज़्ज़ा, टोमेटो पिज़्ज़ा, टोमेटो चीज़, और स्वीट कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा, पनीर मखनी पिज़्ज़ा, पनीर चीज़ पिज़्ज़ा, तंदूरी मखनी पनीर चीज़ पिज़्ज़ा, मशरूम चीज़ पिज़्ज़ा, ये सारे हैं। चीज़ बर्गर में चीज़ बर्गर है और पनीर मखनी बर्गर है। स्मॉल पिज़्ज़ा जो रहेगा वो 70 और 80 का रहता है। लाइक वेजिटेबल्स वाला लेंगे, लाइक अनियन, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न या टोमेटो वाला लेंगे, 70 का रहेगा। पनीर वाला 80 का रहेगा, और मीडियम में ऐसी रहेगा 110 और 120, जिसमें वेजिटेबल 110 का और पनीर वाला 120 का, और लास्ट रहेगा 150 और 170 का। बिल्कुल गली नंबर 13 गोविंदपुरी है, हनुमान मंदिर है उसके साथ में ही लगता है। ऑपोजिट में नासा केमिस्ट है, नासा केमिस्ट के सामने। स्विगी और जोमेटो भी अवेलेबल है? नो, हम स्विगी और जोमेटो पे अवेलेबल नहीं है। फिजिकली यहाँ पर आना पड़ेगा। फिजिकली बिल्कुल सर। ये थे पिज़्ज़ा स्टोरी कॉर्नर के हमारे साथ ऑनर्स। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार भैया जी। आपका नाम? मेरा नाम सर आशीष। सर, इनका पिज़्ज़ा बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, और मैं करीब 15 दिन से एक दिन छोड़ के कंटिन्यू खाने आ रहा हूँ। क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, बाकी अब सर्विस बढ़िया है। दोस्तों, जैसे हमने बात करी थी, तो पिज़्ज़ा देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो हम भैया से पूछेंगे आज वो हमें अपने जो कुछ स्पेशल आइटम्स हैं वो खिलाएंगे। भैया, आज क्या खिलाएंगे आप हमें? हमारा स्पेशल पिज़्ज़ा जो है, जो सबसे ज़्यादा बिकता है, वो है तंदूरी पनीर मखनी चीज़ पिज़्ज़ा। बर्गर्स में हमारा पनीर मखनी बर्गर भी अच्छा है, और चीज़ बर्गर दोनों ही अच्छे हैं। चीज़ बर्गर तो भैया एक अपनी जो बेस्ट सेलिंग आपकी पसंद से, हाँ बेस्ट सेलिंग जो पिज़्ज़ा बना दीजिए, हाँ, और एक बर्गर बना दीजिए। इसका बिल्कुल चल रही है, चीज़ बर्गर है। 40 रुपीज़। ये सेम पिज़्ज़ा टॉपिंग है, पिज़्ज़ा सॉस है। देन उसके बाद ऑनियन, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, लुकिट, इनका होममेड मसाला है, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं, और वाइट लिक्विड चीज इस पर डाल रहे हैं। ये देखिए गाइस, अब ये ओवन में चला। देखिए गाइस, हमारा तंदूरी पिज़्ज़ा स्टार्ट हो गया मेकिंग। बेस है, बेस के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस है, चॉप्ड ओनियन है, चॉप्ड कैप्सिकम है, टोमेटो है, और स्वीट कॉर्न है, और फ्रेश पनीर इसके ऊपर डाल रहे हैं। ये तंदूरी सॉस है गाइस। बीबा की
अच्छी क्वालिटी की, अगेन वीवा की। ये देखिए दोस्तों ऑलमोस्ट डन है प्रिपरेशन। ये देखिए दोस्तों ऊपर से मोज़रेला चीज़ डाल रहे हैं फॉर चीयू फ्लेवर। अब ये ओवन में जाने के लिए रेडी है। ये देखिए दोस्तों हमारा पिज़्ज़ा अभी ओवन में चला गया है और ये सिलेंडर्स चल रहा है, देसी इंडियन स्टाइल ओवन। हमारा पिज़्ज़ा रेडी है तो मैं कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा सा नीचे आके जूम करिए। देखिए दोस्तों ये है तंदूरी मखनी पनीर पिज़्ज़ा विद एक्स्ट्रा चीज़, रेट 80 है विदाउट चीज़। अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं ये 100 रुपीज़ का पड़ेगा। ठीक गाइस, कितना अच्छा टेक्सचर है। ये देखिए गाइस अब हम टेस्ट करते हैं इसको, थोड़ा गर्म है। ये देखिए गाइस जो डो है, जो बेस है, ब्रेड है, काफ़ी फ्रेश है। और देखिए गाइस चीज़ फुली लोडेड है, इसमें तंदूरी चीज़ भी है और वाइट चीज़ भी है और टोमेटो है, कैप्सिकम है, पनीर है और इसमें स्वीट कॉर्न भी है और इनका अपना एक मसाला है और ऊपर से मोज़रेला चीज़ भी है। तो देखिए गाइस मैं टेस्ट करूँगा और टेस्ट करके आपको बताऊँगा। गाइस जेन्युइनली स्पीकिंग जो नॉर्मल तंदूरी पिज़्ज़ा है था वैसा ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है जो इनका एक होममेड स्पाइसेस जो मसाला है जो उन्होंने बना रखा है, जैसे अदर पिज़्ज़ाज में ओरेगानो वगैरह चिली फ्लेक्स डालते हैं तो इनका एक होममेड मसाला, उसका एक जो टेस्ट है ना काफ़ी निकल के आ रहा है। और चीज़ है गाइस काफ़ी फ्रेश है, एकदम च्यूई लग रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है और फुली लोडेड है। ये दोस्तों अभी हमारा चीज़ बर्गर रेडी है, मैं कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा क्लोज आके जूम दिखाएं। ये देखिए गाइस ऊपर का बन है काफ़ी फ्रेश है, ऊपर तिल वगैरह डले हुए हैं और ये फ्राई वगैरह नहीं करा, इसको ओवन के अंदर बेक करा गया है। मैं अंदर से थोड़ा सा आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्त आलू की टिक्की है और दो तरह की चीज़ है, एक वाइट लिक्विड चीज़ है और दूसरी तंदूरी है और कैप्सिकम है, ओनियन है और स्वीट कॉर्न है। तो गाइस हम टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके आपको इनका रिव्यू बताएंगे। बन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, सॉफ्ट है और जो अंदर की टिक्की है वो भी काफ़ी फ्रेश है और जो सबसे ज़्यादा टेस्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है जो कि चीज़ डाल रखी है, तंदूरी चीज़ डाल रखी है और वाइट लिक्विड चीज़ डाल रखी है और जो अदर चॉप्ड ओनियंस हैं, कैप्सिकम है और स्वीट कॉर्न है, कंबाइंड टेस्ट निकल के आ रहा है। तो गाइस मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, कभी भी आप गोविंदपुरी वाले एरिया में आए तो यहाँ पर एक छोटी सी कार्ड है जिसका नाम है पिज़्ज़ा स्टोरी कॉर्नर। तो यहाँ पर आप आइए, इनके वैरायटी ऑफ पिज़्ज़ा को टेस्ट करिए, सैंडविचेस को टेस्ट करिए, बर्गर को टेस्ट करिए और इंजॉय करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर योर टाइम।